वालेकुम, एएसटेक की जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने मोबाइल की गैलरी से किसी भी पिक्चर को या किसी भी वीडियो को हाइड कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी फोल्डर को अपने मोबाइल की मेमोरी से हाइड कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कि आपके मोबाइल में जो भी प्राइवेट पिक्चर वगैरह सेव हैं वो कोई भी देखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे मोबाइल की गैलरी में एएसटेक के नाम से एक फोल्डर है जिसमें मैंने कुछ पिक्चर वगैरह सेव की हुई हैं। इस फोल्डर में कोई भी वीडियो वगैरह भी हो सकती हैं। आप कुछ भी हाइड कर सकते हैं अपने मोबाइल की गैलरी से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किसी भी फोल्डर को अपने मोबाइल की गैलरी से या अपने मोबाइल की मेमोरी से कैसे हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएसटेक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो किसी भी फोल्डर को आपने अपने मोबाइल की गैलरी से हाइड करने के लिए आपने फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। फाइल एक्सप्लोरर में आपने उस जिस फोल्डर को हाइड करना है उस फोल्डर के ऊपर आपने लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे एएसटेक का फोल्डर, जिस फोल्डर में मेरी कुछ पिक्चर सेव हैं वो यहाँ पे है। तो इस फोल्डर को अगर मैं हाइड करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ से इस फोल्डर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करने के बाद, तो यहाँ ऑप्शन में जाने के बाद रीनेम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे जो फोल्डर है उस बाकी उसके नाम को हमने नहीं छेड़ना, हमने जस्ट करना यह है कि फोल्डर के शुरू में एक डॉट लगा देना है। डॉट लगाने के बाद डन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फोल्डर मैंने हाइड किया है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अभी मैं आप मोबाइल की गैलरी में जाके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे वो फोल्डर शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इस फोल्डर को देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे करना ही है कि उसी तरह फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। फाइल एक्सप्लोरर में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री डॉट बने हुए हैं। यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद शो हिडन फाइल्स का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख, जो फोल्डर में हमने हाइड किया था अपने मोबाइल की गैलरी से वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे जाके इस फोल्डर में जो भी कुछ सेव किया हुआ है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इस फोल्डर को अपनी गैलरी में दोबारा से शो करवाना है तो उसके लिए आपने उसी तरह, तो रीनेम करने के बाद स्टार्ट में जो आपने डॉट लगाया है उस डॉट को आपने कैंसिल करके डन करना है, तो उससे ये फोल्डर दोबारा से गैलरी में शो हो जाएगा। उसके अलावा एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके मोबाइल में फाइल एक्सप्लोरर में अगर शो हिडन फाइल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो उसके लिए आपने करना यह है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपने ई एस फाइल एक्सप्लोरर को सर्च करना है। ई एस फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन है। आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल है तो मैं जस्ट इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करूंगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद एसडी कार्ड में मैंने वो फोल्डर सेव किया हुआ है तो यहाँ पे अभी वो फोल्डर शो नहीं हो रहा। तो अगर आपने हिडन फोल्डर को शो करवाना है तो उसके लिए आपने यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपने शो हिडन फाइल्स वाले ऑप्शन को यहाँ से आपने ऑन करना है। जब आप ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो फोल्डर मेरा शो हो रहा है और उसमें जो भी चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं, जो भी पिक्चर मैंने सेव की हुई हैं वो यहाँ पे मैं जाके चेक कर सकता हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। मजीद टेक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।